बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज चैनल पर। नमस्कार, BCN न्यूज के भविष्य दर्शन इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम भविष्य दर्शन में जो है टैरो कार्ड के बारे में जानेंगे। टैरो कार्ड के जरिए हम अपना भविष्य जानेंगे। टैरो कार्ड यानी रहस्यमयी दुनिया और भविष्य आकलन की सर्वविध सर्वप्रिय विधा। इस शब्द की उत्पत्ति भी रहस्यमय है और इसी रहस्यमय टैरो कार्ड से आज हम अपना भविष्य जानेंगे। हमारे ज्योतिषाचार्य श्रद्धानंद आचार्य इनसे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। तो आज हम आपके इस रहस्यमय दुनिया से टैरो कार्ड से हमारे दर्शकों को जो है भविष्य के बारे में बताएंगे। जनवरी से दिसंबर महीने तक जो भी बालक जन्मे हो या जो भी लोग जन्मे हो उनके बारे में हम जानेंगे। उनका हेल्थ कैसा होगा, उनका फाइनेंस कंडीशन कैसी रहेगी, या उनका बिजनेस जो है, उनका प्रोफेशन लाइफ, जो प्रोफेशनल लाइफ है वो कैसे चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो बढ़ते कार्यक्रम। देखिए, पहली बात एक संक्षिप्त में टैरो कार्ड के बारे में बताना चाहूंगा। पहले में तो टैरो कार्ड जो है अपने देश में बहुत प्रचलन पुराना धर्म शास्त्र है, ये ज्योतिष शास्त्र है ये अपना। ये इसको तारापत्र बोला जाता था बहुत पुराण काल में, लेकिन हमारे देश में कैसा ज्योतिष शास्त्र है, कुंडली है, वास्तु है, अंकशास्त्र, इसके चलते इस दो तारापत्र टैरो कार्ड को इसका प्रचलन कम हुआ। ठीक है, जब अलेक्जेंडर वगैरह इसमें हमारे हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे आए तो ये टैरो कार्ड उनको बहुत अच्छा लगा। तारापत्र, उस तारापत्र को ले गए अपना ग्रीस मैसिडोनिया, तब उधर वहां पे उसको टैरो कार्ड बोलने के, तारापत्र बोलने के बदले वो टैरो कार्ड बोलना शुरू किया। इधर से शुरू हुआ टैरो कार्ड का जन्म, जो वेस्टर्न से हमारा इंडिया में आया ऐसा मान्यता है। लेकिन ये जो टैरो कार्ड है ये शास्त्र हमारे देश का ही उत्पत्ति है पहला। दूसरा कैसा है, मुगलों के समय पे इसको गंजीफा कार्ड ऐसा दूसरे दूसरे नाम से बुलाया जाता था। लेकिन अभी कैसा है, हमारे पास जो कार्ड है वो ओशो के टैरो कार्ड है। ओशो के टैरो कार्ड के द्वारा हम ये देखेंगे कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का जिन जिन का जन्म हुआ है, जिन जिन का महीना जन्म है, जन्म का महीना है, उनके लिए आर्थिक, स्वास्थ्य और उनका व्यापार यानी प्रोफेशन और बिजनेस यानी हेल्थ देखेंगे, फाइनेंस देखेंगे और प्रोफेशनल और बिजनेस के लिए देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले महीना इधर से लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम अभी जनवरी में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए हेल्थ, फाइनेंस और बिजनेस कैसा रहेगा। स्प्रेड कर रहा हूं मैं कार्ड अभी। अभी पहला कार्ड निकालते हैं हेल्थ के लिए जो जनवरी में पैदा हुए हैं, दूसरा है अपना फाइनेंस के लिए, तीसरा है अपना प्रोफेशन या बिजनेस के लिए। देखो, पहला हेल्थ के लिए जो निकाला है जनवरी वालों के लिए, हेल्थ अच्छा रहेगा, बशर्ते अगर जो लोग थोड़े से बीमारी परेशानी में चल रहे हैं वो लोग थोड़ा प्रयास करें अपनी बीमारी से निकलने के लिए, जो रोगी हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जनवरी में जो पैदा उन लोगों के लिए अगर समझो हेल्थ के लिए अच्छा करना है तो क्या करना है, उन्होंने हो सके तो जनवरी में जो पैदा वो लोग मछलियों को आटा डाले गुरुवार के दिन और रविवार के दिन, उनके लिए फायदा रहेगा। देखते हैं जनवरी वालों के लिए अभी अपना फाइनेंसिस में कैसा रहेगा। देखो, फिनेंस अच्छा रहेगा जनवरी वालों के लिए, बशर्ते जो पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं उसको संभाल के करें। और इसमें जो इन्होंने प्लानिंग किया है जनवरी के महीने में, जो लोग इन्होंने बिजनेस में करना, इन्वेस्टमेंट करना, जो भी फिनेंसिस के लिए, वो अच्छा रहेगा जनवरी वालों के लिए। और देखते हैं अपना प्रोफेशन और अपना बिजनेस वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी में जो पैदा हुए हैं उनके लिए। प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल और बिजनेस वाले जो हैं जनवरी में, उनके लिए ये जनवरी का महीना अच्छा जाएगा। थोड़े बहुत उनके जो डिमांड्स है या चैलेंजेस हैं वो थोड़े मुश्किल रहेंगे बिजनेस में और प्रोफेशन में, उसको थोड़ा सा कोप अप कर उसको थोड़ा आप आगे बढ़कर थोड़ा सा हिम्मत से काम लेंगे तो अवश्य उनको लाभ होगा जनवरी में जो पैदा हुआ है। फरवरी में जो लोग का जन्म हुआ है उनके लिए देखते हैं अपना हेल्थ, फाइनेंस और प्रोफेशन या बिजनेस कैसे रहेगा। देखिये, पहला देखते हैं अपन कार्ड अपना हेल्थ के लिए, दूसरा है अपना फाइनेंस के लिए, तीसरा है अपना बिजनेस के लिए। देखिये, हेल्थ अच्छा रहेगा बशर्ते थोड़ा बहुत इसमें फरवरी में जो जन्मे हैं उनको अगर जो लोग थोड़े पुराने बीमारी से पीड़ित हैं या जिनको ऐसा थोड़े से बीमारी शुरू हो रहे हैं उनको ये ज्यादा बीमारी ट्रिगर होने का योग बनता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी अगर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये फरवरी में जो लोग पैदा हो उनके लिए ये महीना।
फिनेंस बहुत अच्छा रहेगा, फिनेंस बशर्ते वो जिनको लोन्स के लिए अप्लाई किया है, जिनको लोन्स लेना है उनको बिल्कुल लोन्स मिलेगा। और अगर लोन्स में अड़चन ज्यादा आ रहा है तो करना क्या है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में, पांच मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में मीठे बूंदी का दान कर दे। अगर वो नहीं हो पाता तो गरीब बच्चों में मीठा बूंदी खिला दे, पांच मंगलवार या चार मंगलवार अवश्य उनका काम बनते दिखाई देगा। फरवरी वालों के लिए बिजनेस कैसा रहेगा, फरवरी वालों के लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। होप्सो की जो मेहनत करते हैं उनका उनका फल मिलने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, हो सके तो उन्होंने गाय को बुधवार के दिन पालक खिलाएं तो उनको बहुत अच्छा श्रेय यश मिलेगा बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर। बाकी उन्होंने जो टारगेट्स रखे हैं वो टारगेट्स बिल्कुल पूरे होंगे उनके। अभी देखते हैं अपना मार्च के लिए। साल मार्च में जन्मे हुए लोगों के लिए कैसा रहेगा, मतलब हेल्थ के दृष्टिकोण से, बिजनेस के और फाइनेंस में निकालू? हाँ बिल्कुल अवश्य निकालिएगा, यहाँ पे रख दीजिए हेल्थ, फाइनेंस, बिजनेस। देखिए मार्च में जन्मे लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा है। जो लोग पुराने बीमारी से पीड़ित हैं या जो कुछ अपने फिटनेस के लिए थोड़ा सो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। और जिन लोग पुराने बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए जरूर कोई अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा वेव, अच्छा ब्रेक थ्रू यानी का अच्छा एक रास्ता मिलेगा मार्च में पैदा, उनके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। देखिए थोड़ा सा कैसा है, मार्च में जो लोग पैदा उनके फिनेंसिस के लिए ये महीना थोड़ा सा रुकावट भरा रहेगा, फिनेंसिस होते दिखाई नहीं देगा, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा। और अगर फिनेंसिस अप्लाई किया जो कलेक्शन उनको जो बिजनेस जो आवक होना है ना, जो बैलेंस पैसे हैं जिनको लेना है वो जो थोड़ा उसमें रुकावट रहेगा। और जिन्होंने समझो बड़े बड़े जो फैसले किए हैं कि ऐसे इन्वेस्ट करेंगे मनी, नए नए बड़े बड़े लोन लेके हम स्टार्ट करेंगे कुछ, मेरा एक सुझाव है कि मार्च में जो लोग पैदा हुए ये महीना थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा बराबर आकलन करके अगर इन्वेस्ट करके फिनेंसिस का थोड़ा हैंडल करेंगे तो मार्च वालों के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रही बात बिजनेस के लिए, देखियो बिजनेस में कैसा, मार्च में जो लोग पैदा हुए ना ये महीना उतना कुछ बहुत अच्छा नहीं रह पाएगा, थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव रहेगा, पेशेंस रखें, अगले महीने के लिए इंतजार करें। लेकिन ये महीना अच्छा होने के लिए क्या करना है, गरीबों में शनिवार के दिन तेल के चीजों का दान करेंगे, तेल से पके हुए, तेल से बने हुए चीजों का अगर दान करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगला महीना अप्रैल। हाँ जी, अभी अप्रैल के लिए हम स्प्रेड करते हैं, क्या है आप कार्ड निकाल लीजिएगा, मैं बता दूंगा। तीन कार्ड निकाले, पहले अपना हेल्थ के लिए, फाइनेंस, बिजनेस। देखिए अपना अप्रैल में जो लोग पैदा हुए उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और इसमें अच्छा, और आप थोड़ा सा बेहतर होने के लिए थोड़ा वैद्यकीय सलाह ले सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं इसमें। और हेल्थ के बारे में थोड़ा सा जो लोग पहले से परेशान हैं ये महीना उनके लिए नया कोई डॉक्टर मिलना, कोई नया कुछ उनको डाइट में प्लान वगैरह चार्ट करने से उनको फायदा होने का योग बनता है। फिनेंसिस अच्छा रहेगा जो लोग अप्रैल में पैदा हुए हैं उनके लिए। और थोड़ा सा ये लोग कैसा, जो लोग अप्रैल में पैदा हुए उनके लिए ये महीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसा है कि वो बैंक में लोन मांगने जाएंगे 5 लाख का, मैनेजर देंगे उनको 10 लाख का, तो ये अगर लालच में आएंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो उन्होंने पहले ये तय करना चाहिए अप्रैल में जो जन्मे हैं वो लोग ये महीना कि उनको कितना फाइनेंसिस का जरूरत है, कैसे मैनेज करना है। नहीं तो जैसा हम लोग ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो अपच जैसा होता है, वैसे ये महीना जो अप्रैल में जो पैदा हो उनके लिए ज्यादा फाइनेंसिस का अगर करते हैं तो दे में कमिंग प्रॉब्लम, उनको वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। रही बात बिजनेस का, देखो अप्रैल में जो लोग पैदा हो उनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा। क्रेडिट में ज्यादा चीजें जाने का योग बनता है, क्रेडिट में थोड़ा सा उथल पुथल होने का योग बन रहे, जो बिजनेस करते हैं जो कपड़े के व्यापारी है जो भी ड्रग्स वगैरह जो बेचते हैं उनके लिए समझो अप्रैल के महीने में थोड़ा सा ज्यादा क्रेडिट के ऊपर माल थोड़ा बिकने का ये सब योग बनता है, थोड़ा उसको थोड़ा मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। ओवरऑल अप्रैल वालों के लिए बिजनेस हो गया, प्रोफेशनल लोग जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और प्रोफेशनल लोग जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी डिजिग्नेटेड लोग हैं उनके लिए कैसा ये महीना, उनके बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध बने रहेंगे। अगर आपको कुछ
सही कुछ मनवाना है, बॉस से कुछ अपने फेवर लेना है, तो ये अप्रैल का ये महीना अप्रैल वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला। आपके जो मांगे जरूर पूरी होंगे। अब इतना आप थोड़ा सा मीठा बोलना, बॉस के साथ थोड़ा अच्छा टर्म्स रखेंगे तो बिल्कुल अवश्य आपको फायदा रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल। अब टैरो के बाद हम बढ़ते हैं हमारे दर्शकों के जो सवाल है उसकी ओर। जो सवाल है ये है कंजी बालाघाट से, पहला सवाल है हमारे पास। सुंदरलाल तुरकर इनका है, इनका जन्म है 4:20 11/10/1996 सुबह का जन्म है 4:20 का। इनका सवाल है नौकरी के योग कब तक बने रहेंगे, शादी के सुबह का टाइम क्या है? 4:20 बालाघाट ना? हाँ, कंजरी बालाघाट। नौकरी के योग है या नहीं, शादी के योग कब तक है और पारिवारिक जीवन कैसा होगा, शादी के योग हाँ, भी पूछे गए। अभी देखिए थोड़ा सा नौकरी के लिए थोड़ा सा अड़चन वाला समय चल रहा है। बाकी हालांकि ऐसा कुछ बुरा योग नहीं कि आपको बिल्कुल नौकरी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल लगेगा नौकरी। आपने कहा क्या करना है, 5 मंगलवार बजरंगबली के मंदिर में जाकर एक बार आप हो सके तो अपना हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों एक साथ बैठ के एक के बाद एक पाठ कर लेंगे हनुमान जी के मंदिर में 5 मंगलवार, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके नौकरी के युग जल्दी बनते दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा इनके लिए कैसा है, थोड़ा सा ये 40 दिन थोड़े से गाड़ी बड़ी सोच समझ के चलाना है, बोलने करने में सोच समझ के बोलना है, तो उनसे बोलने में कुछ भूल चुके बाहर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं इनके लिए। और नौकरी वगैरह इनको अभी जुलाई के महीने में नहीं होते हुए अगस्त के महीने में जरूर लगेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा इनको। हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न क्या था? नेक्स्ट है शादी के योग कब तक बने रहेंगे। शादी के योग तो चल रहे हैं इनके, शादी मेरे हिसाब से आने वाले मार्च के अंदर हो जाएगा इनका। अच्छा एक रिश्ता मिल जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा सब। थोड़ा सा अड़चन है शादी को लेके, तो उसके लिए आपने क्या करना है, शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को, और शनि मंदिर में जाके थोड़ा सा काले गुड़ काले चने वगैरह दान करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न इनका, पारिवारिक जीवन कैसा होगा। देखो पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन कैसा है, इनके पत्रिका में थोड़ा सा पारिवारिक जीवन के चलते सर्प दोष है। सर्प दोष के निवारण के लिए एक बार नासिक वगैरह जाएं तो थोड़ा सा नारायण अगबली वगैरह कर लेंगे तो इनके लिए फेवरेबल रहेगा। अगर इनको ओवरऑल इंप्रूवमेंट चाहिए, अच्छा होना है जीवन में, तो इन्होंने क्या करना चाहिए, एक मूंगा और एक माणिक अगर पहनते हैं 4.5-4.5 कैरेट का, तो इनको हर चीज में इनको लाभ मिलेगा, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, प्लस इनको इसमें जो इनको उन्नति नहीं मिल रहा उन्नति भी देखने मिलेगा। बिल्कुल। अगला सवाल है पेश किए हैं चिमनलाल पटले इनका, इनकी जन्म तारीख है 20/7/1967 महरा पिपरिया सिवनी से ये जन्म स्थान है इनका, और जन्म का समय नहीं दिया है। प्रश्न है काम में मंदी चल रही है, काम कब तक ठीक होंगे और स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए काम में कैसा, अभी थोड़ा सा ये 4-5 महीने थोड़े स्लैक था आपको, तकलीफ था। अभी अगले महीने 15 तारीख के बाद आपके काम काज में जो मंदी चल रहा है वो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा आपको। बाकी टाइम वगैरह ऐसा अच्छा डरने वाला बात नहीं है, गाड़ी थोड़ा संभल के चलाए। बाकी फाइनेंस पे थोड़ा ध्यान रखिए आप, कितना ले कितना करना है करके। बाकी काम काज में मंदी वगैरह जो आपने प्रश्न किया है वो मंदी आपको अभी ये यानी जुलाई के 15 तारीख के बाद दिखाई देगा कि अच्छा आपको होना चालू हो जाएगा। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं टैरो कार्ड की ओर। मई से जो है अब हमारा शुरू होगा, मई में जन्मे लोगों का मतलब इस साल कैसा होगा, हेल्थ के दृष्टिकोण से, फाइनेंस के दृष्टिकोण से और व्यापार के दृष्टिकोण से। निकालिए पैसे, ठीक है ना, चले गए यहाँ से? बिल्कुल, कहाँ से भी निकाले, आप उनके प्रतिनिधि है, अभी हमारे दर्शकों के प्रतिनिधि है तो आप निकाल सकते हैं अवश्य काल। देखिए अभी ये जो मई के महीने में जो पैदा हो उनके लिए हेल्थ उनका थोड़ा सा डामाडोल रहेगा, जो मई में पैदा हुए हैं उनके लिए हेल्थ उतना खास नहीं रहेगा, परेशानी वाला रहेगा। हीट से संबंधित, गर्मी से संबंधित बीमारी जिनको है, उनको पेट में छाले अपेंडिक्स है या फिर कुछ पेट में संबंधित प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा ये महीना। तो मई में जो पैदा हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। बाकी फाइनेंसेस अच्छा रहेगा, जितना आप मेहनत करोगे जितना आप काम करोगे उतना अवश्य लाभ मिलेगा आपको मई वालों के लिए। और
जो बिजनेस है, देखो उतार चढ़ाव थोड़ा रहेगा, ये महीना कैसा आपको स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, मई में जो पैदा हूं उनको थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, 5 दिन खराब रहेगा 5 दिन अच्छा रहेगा, थोड़ा मेंटेन करके चलो। उसमें भी कैसा, जो लोग मई में पैदा हो उनके लिए ये जुलाई के भी 15 तारीख के बाद ज्यादा फेवर करेगा, आपको जो प्रोसीजर है बिजनेस का वगैरह या प्रोफेशनली, उसमें आपको ज्यादा यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा। हाँ जी, अगला महीना जुलाई, हाँ जी सॉरी जून, हाँ जी जून। निकालिए देखिए, जून जून वाले जो लोग जन्मे हैं उनके लिए हेल्थ ये महीना उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, टैरो कार्ड के भविष्य के द्वारा बता रहा हूँ कि ये महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत अपने मेंटल, जो इमोशनल और मेंटल बैलेंस पे थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्योंकि हम शुगर बोलते हैं, बीपी बोलते हैं, या बहुत सारे बीमारी ऐसे रहते हैं कि अपने को टेंशन से बढ़ता, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, तो उस पे वो जो पेशेंट्स है थायराइड के, शुगर के, बीपी के, उन्होंने अपने थोड़ा सा इमोशंस पे और मेंटल कंडीशन पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ज्यादा टेंशन लेने से या फिर ज्यादा परेशान दुखी होने से भी उनका वो बीमारी ट्रिगर हो सकता है जून वालों के लिए। बाकी फिनेंसिस वगैरह अच्छा रहेगा, थोड़ा सा कम सरस रहेगा, बट लेकिन जो लोग समझो थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या थोड़ा इंश्योरेंस के सेक्टर्स में हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये महीना टारगेट हार्ड रहेगा फिनेंस को लेके, एडजस्टमेंट्स को लेके। और जो लोग इसमें बिजनेस में हैं, बिजनेस वालों के लिए अच्छा रहेगा ये साल, बशर्ते जो लोग थोक व्यापारी है उनके लिए थोड़ा कम रहेगा, जो रिटेल मार्केट में जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये जून का महीना, जून के जून जून में महीने में जो पैदा हूँ। अभी अगला महीना जुलाई, जुलाई का वो जानते हैं कि कैसा रहेगा फाइनेंशियल कंडीशन। हाँ देखिए, अभी जो लोग जुलाई में पैदा हुए हैं उनके लिए हेल्थ ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, सही रहेगा। हालांकि थोड़ा सा टैरो कार्ड ये बताता है कि जुलाई में जो पैदा हुए हैं थोड़े बहुत ये महीना थोड़ा सा अपना मनमौजी करेंगे, यानी जो नहीं खाना है ऐसा रस्ते का जो भी चीजें, खाना पीना जो भी है, ज्यादा मनमौजी करेंगे तो उससे अगले महीना आपको थोड़ा परेशानी झेलना पड़ेगा। बट लेकिन थोड़ा सा अपने थोड़ा सा डाइट पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने थोड़ा सा कंट्रोल में चलना है, बाकी ये महीना अच्छा रहेगा जुलाई वालों के हेल्थ संबंधी चीजें। फिनेंस जुलाई वालों के लिए ये महीना थोड़ा खराब है, थोड़ा सा बहुत आपने ध्यान देना है फिनेंस पे कि आप किस प्रकार के फिनेंस एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान देना है। हालांकि एक कार्ड ये भी बताता है कि थोड़ा बहुत अपने जिनसे आपको फिनेंस लेना है करना, यानी अपने सब दुकानदार है तो उनके कस्टमर से उनका फिनेंस का जोड़ रहता है, अभी समझो बड़े बड़े बिजनेसमैन है तो उनका फिनेंस वाला फिनेंसर जो रहते हैं उनसे, बैंक से उनका थोड़ा लेन देन जो रहता है उसका, वो रिश्तों को थोड़ा ध्यान में रख के चलना है ये महीने जुलाई में जो पैदा हुए उनको, नहीं तो रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं, उससे उनके फाइनेंसेस खराब होंगे। बाकी बिजनेस वालों के लिए या प्रोफेशनल के लिए जुलाई उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि ये महीना अगर खराब होता है तो आप देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, आपसे क्या गलतियां होंगे जिसके वजह से ये महीना आपका खराब गया, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ओवरऑल अगर बोलूं तो ये चीजें देखो जुलाई वालों के लिए उतना में अच्छा कार्ड्स नहीं निकले, तो इसके लिए मैं एक ही बोलूंगा, जुलाई वाले क्या करेंगे, हर बुधवार को गणपति के मंदिर जाएं, लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं, थोड़े से दूर्वांकुर दूर्वा जो रहते हैं वो भगवान गणपति के चरणों में चढ़ाएंगे तो उनके लिए जो ये विघ्न है, जो परेशानी, वो दूर होगा। जुलाई वालों के लिए थोड़ा सा संभल के चलने का थोड़ा सा मैं बताऊंगा, टैरो कार्ड बता रहा है। अगला है अपना अगस्त। देखिए अगस्त महीने वालों के लिए हम कार्ड्स निकालेंगे कि कैसा रहेगा ये महीना उनके फाइनेंस के, उनके हेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए और बिजनेस के लिए। हाँ जी निकालेंगे। देखिए ये हो गया अपना अगस्त में जो पैदा होते हैं उनके लिए हेल्थ के लिए। देखिए हेल्थ अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत जो एलर्जिक लोग हैं, थोड़ा बहुत जो एलर्जिक सिम्टम्स जिनको चल रहा है तो अगस्त के महीने में उनको बहुत परेशानी जाएगा ये महीना, बार बार डॉक्टर के पास जाना, छोटे छोटे, बड़ा कुछ होएगा नहीं, छोटे छोटे चीज़ों से बहुत परेशान रहेंगे अगस्त में जो पैदा हुआ ये महीना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिनेंसेस के लिए देखो ये महीना उतना खास नहीं अगस्त वालों के लिए, थोड़ा संभल के प्लानिंग करें,
गलत नहीं होना चाहिए, यानी आपको मालूम रहता है कि मैंने इधर पैसे इन्वेस्ट किया तो गलत होएगा, लोगों के प्रलोभन में आके उनके बातों में आपको इन्वेस्ट करके फंसने का फिर बाद में पछताने का योग बनता है, उसको थोड़ा ध्यान देना, वो नहीं करना है। बाकी बिजनेस में वगैरह जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग लोगों से रोज मिलना या लोगों से संपर्क में रहने का जो सोशल साइट्स पे जो काम करते हैं या फिर जो अपने लोगों से संपर्क करने का जो इनका योग बढ़ता है, मीडिया क्षेत्र के जो लोग बनते हैं उनके अगस्त वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो वो बहुत अच्छा काम करेंगे और उनको बहुत अच्छे गोल्स जो सेट किया है वो पूरे होंगे। उनके फिनेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी प्रोफेशनली दे विल डू वेरी वेल, बिजनेस उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दे आर गोइंग टू हैव वेरी वेरी गुड लाइफ अहेड इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस जो अगस्त वालों के लिए। बढ़ते अब सवालों की ओर। हाँ जी, ज्योति तोपेंद्र पटले, इनका ये सवाल है, ये खमरिया बालाघाट से है, इनका जन्म का समय है रात 9:30, डेट है 22/9/1994। हाँ जी, रात का समय है, जन्म का 9:30। इनका सवाल है कि मेरी जन्म स्थान बालाघाट खमरिया। मेरी डीएड की पढ़ाई हो चुकी है, मैंने कई परीक्षाएं दी है पर नौकरी नहीं लग रही, मेरी नौकरी लगने के योग कब तक है? देखिए, नौकरी ऐसा लगने के लिए अभी फिलहाल थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको अगस्त या फिर सितंबर के महीने में नौकरी लगने के योग ज़्यादा बनता है। अभी फिलहाल के लिए थोड़ा एक काम करो, आप अगर हो सके तो गुरुवार के दिन मछलियों को आटे वाला गोली बनाकर खिलाएं। अगर वो नहीं हो सकता तो गुरुवार के दिन गौ माता का सेवा करें, उनको कुछ मीठा बना के दे खिलाएं तो अच्छा रहेगा, तो नौकरी के योग अच्छे बनते हैं आपको। कुल मिला के ये अपना अगस्त के महीने में आपको नौकरी लगने के योग बनते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल है प्रियांश महेंद्र रहांगडाले, इनका इनकी जन्म तारीख है 8/9/2021, 8/9/2021 इनकी जन्म तारीख है और इनका जन्म का समय है सुबह 5 बजे का। जन्म स्थान है नंदलेसरा बालाघाट। इनका सवाल है भविष्य कैसा रहेगा? देखिए, 2021 का है, यानी अभी नन्ना सा बालक है। इनका प्रश्न किस चीज से थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा सा भविष्य कैसा रहेगा। देखो, ये बच्चे का भविष्य बहुत ब्राइट है, काम काज में बहुत अच्छा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा रहेगा बच्चे का, और फिनेंसिस भी यानी पैसे कमाने का योग अच्छा है, काम काज अच्छा है, अच्छे जगह पे इनकी विवाह वगैरह हुए, बच्चे का फैमिली लाइफ अच्छा है, पिता के लिए ये बच्चा अच्छा है, माता के लिए भी अच्छा है, हर ऑलराउंड अगर देखा जाए बहुत अच्छा व्यवस्थित पत्रिका है ये, फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर इनका। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं टैरो कार्ड की ओर, सितंबर माह में, मतलब ये 2022 कैसा रहेगा सितंबर माह वालों के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2022 का जुलाई का महीना। हाँ जी, सितंबर, सितंबर वालों के लिए जुलाई का महीना। हाँ, कैसा रहेगा? हाँ, ये हेल्थ के लिए, फाइनेंस, व्यापार है। देखिए, सितंबर वालों के लिए अच्छा रहेगा ये महीना, हेल्थ संबंधित सितंबर में जो जन्म है उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बढ़िया रहेगा, केयरलेस न बने, बाकी अच्छा है। अपना फिनेंसिस के लिए जो लोग सितंबर में जन्मे हैं ये महीना थोड़ा सा हानिकारक है, आउट ऑफ कंट्रोल बजट जाने का योग बनता है, अपना बजट ज्यादा आस कर खराब कर लेने का योग बनता है, तो ज्यादा आस नहीं करना, जितना अपना चादर उतना पैर पसारे, जितना आपने को जरूरत है उतना ही फिनेंस का आप इंतजार करेंगे तो सही है। बाकी फिनेंसिस का आप जो इनफ्लो है, जो आवक है, आवक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, जिनको लोन्स वगैरह लेना है उनको लोन्स मिलने में मुश्किल रहेगा, तो वो थोड़ा ध्यान देना उस चीज़ पे। और व्यापार वर्ग के लिए फिनेंसिस वगैरह उतना कुछ बहुत अच्छा नहीं रहने वाला ये महीना, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी व्यापार जो बिजनेस है, बिजनेस अच्छा रहेगा,
थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर आपको ध्यान देना है कि हमको कैसा इसको टैकल करना है, क्या करना, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा, मीडिया के ऊपर थोड़ा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ध्यान देंगे बिजनेस वर्क के लिए, अच्छा प्रोफेशनली अच्छा है। तो एक तो जो लोग बिजनेस में ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए ये महीना थोड़ा सा ये मुद्दा है पर्टिकुलर, उस पर ध्यान देना जरूरी है। जो सेप्टेम्बर में पैदा हुए उनको ये महीने में थोड़ा सा, जिस महीने में इनको ये काम कर रहे हैं, जिस एक मुद्दा है, एक मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देना, वर्कआउट करना जरूरी, नहीं तो उनसे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है जो छूटा जा रहा है उनके ऊपर से, उस पर एम्फेसिस है, उस पर स्ट्रेस देके उसको काम करना जरूरी है तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर महीने का जानते हैं हम भविष्य कैसा रहेगा, मतलब 2022 का। देखिए अभी हम जानते हैं अक्टूबर महीने में जो पैदा हुए हैं उनको ये महीना कैसा रहेगा, और उनका हेल्थ, उनका फिनेंसेस और उनका बिजनेस या प्रोफेशन। देखिए हेल्थ अच्छा रहेगा अक्टूबर वालों के लिए महीना, जो लोग पुराने बीमारी से पीड़ित थे उनको राहत मिलने का योग दिखता है, अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, हेल्थ अच्छा बना रहेगा ये महीना अक्टूबर वालों के लिए। लेकिन फिनेंसेस बहुत खराब हालत में है, जो लोग बहुत क्रंच में चल रहे हैं यानी टाइट एडजस्टमेंट में चल रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत जाएगा। बाकी जो लोग सेटल्ड चल रहे ऑलरेडी प्रोफेशन में उनके लिए फिनेंस तो, क्योंकि सैलरी बेस वालों के फिनेंस जरूर प्रॉब्लम नहीं आता, व्यापार वर्ग के लिए फिनेंसेस को लेके ये महीना बहुत ही संकट भरा रहेगा। सोच समझ के आप लोगों ने कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आपसे गलती होगा, आपके फाइनेंशियल एडजस्टमेंट खराब होगा। रही बात व्यापार वर्ग के लिए, अक्टूबर वालों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, प्रोफेशनली अच्छा करेंगे। अगर बॉस ने कोई टारगेट दिया है आपको प्रोफेशनली, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल उसमें अच्छा करोगे, अच्छा आपका एक रिजल्ट रहेगा उसमें, आप जो एफर्ट्स डालेंगे उसके लिए। बाकी बिजनेस के लिए वगैरह, बिजनेस वगैरह जो भी आप डील करते हैं कमेंट में, उसमें बहुत अच्छा आपको इसमें आउटकम लगने का योग बनता है। हाँ जी, नवंबर का जानेंगे, नवंबर में जन्मे लोगों के लिए जुलाई महीना कैसा। हाँ जी, हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए निकालिएगा अपना फाइनेंस, बिजनेस, प्रोफेशन। देखो नवंबर में जो जन्मे हैं उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, बशर्ते थोड़ा बहुत केयरलेसनेस करेंगे ये महीने में, कुछ भी खाना, कुछ भी करना, बेटाइम नहीं खाना, अभी हमको अच्छा है खा लेंगे करके, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बोलते हैं बूंद बूंद सागर बनता है, छोटी छोटी गलती अपने हेल्थ को इफेक्ट करता है, उसी प्रकार से हेल्थ के ऊपर नवंबर में जो जन्म है ये महीना अपने आलस नहीं करे, अपने तबियत का निरादर नहीं करे, केयरलेसनेस नहीं करे, नहीं तो उनको तो हर्जाना चुकाना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए हेल्थ इज गोइंग टू बी गुड, हेल्थ अच्छा रहेगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा नवंबर में जो जन्मे हैं उनके लिए ये महीना परेशानी लेकर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आउट ऑफ द ब्लू स्काई ऐसा कुछ खर्चा लेकर आएगा जो आपको परेशान करेगा ना। समझो आपका बजट रहेगा 10,000 का महीने का या 20,000 का, आपको 30,000 का लेके आएगा, 1,00,000 जिनका बजट है उनको 3,00,000 खर्चा लेके आएगा, ऐसा कुछ आउट ऑफ द ब्लू स्काई कुछ ऐसा कुछ आपके लिए एक्साइटमेंट यानी कुछ अस्टोनिशमेंट वाला लेकर आएगा, सरप्राइज लेकर आएगा, जिसके वजह से आप परेशान होंगे। गुस्सा ना खाए, गुस्से पे नियंत्रण रखें और थोड़ा सा आराम, ठंडे दिमाग से चीजों को डील करें। और रही बात अपना व्यापार वर्ग प्रोफेशन के लिए, जो लोग नवंबर में जन्मे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परमात्मा का साथ मिलेगा, ऐसा उनके साथ, ऐसा समझ लो कि ये महीना जो लोग नवंबर में जन्मे उनको परमात्मा हाथ पकड़ के चलाएगा, ऐसा समझ लो, बहुत अच्छा कार्ड आया, बहुत बढ़िया रहेगा नवंबर वालों के लिए व्यापार और प्रोफेशनली। लक मदर लक और जो जो अपना जो भगवान का जो भाग्य है वो आशीर्वाद है वो उनको ये महीने में अवश्य मिलेगा। नवंबर वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा जुलाई का। हाँ जी, अभी देखते हैं दिसंबर वाले के, अभी दिसंबर वाले के तीन कार्ड निकाल लेंगे। हेल्थ के लिए फाइनेंस, व्यापार। देखिए दिसंबर वालों के लिए ये महीना जो है थोड़ा सा हानिकारक है हेल्थ के लिए। हेल्थ जिनको समझो दिसंबर के महीने में जो पैदा हुए, जुलाई के इस महीने में जो लोग दिसंबर में जन्म है, बड़े छोटे बुजुर्ग, उसमें भी खास करके बुजुर्ग जिनको क्रॉनिक डिसीजेस यानी क्रॉनिक बीमारियां चल रही हैं, जिनको शुगर है, बीपी है या कुछ ऐसे कुछ किडनी या किस कुछ चल रहे हैं, उन लोग के लिए ये महीना बहुत सतर्कता बरतना जरूरी है, नहीं तो वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होगा, जिसको इसे उनको दवा खाने का चक्कर लगेगा या आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, बहुत ध्यान देना जरूरी है। अगर जो लोग बड़े बड़े जो बीमारी के शिकार हैं उनके लिए हम लोग जो दवाई लिख के देते हैं डॉक्टर, उन दवाई को टाइम पे लेना जरूरी है दिसंबर वालों के लिए, नहीं तो दे में कमिंग प्रॉब्लम। बाकी फाइनेंसेस बहुत अच्छा रहेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा,
नाना प्रकार के जो लोग मिलेंगे उन सारे लोगों से आपको अपने फिनेंशियल को ठीक करने का योग मिलेगा। जो होम लोन अप्लाई कर चुके हैं उनको होम लोन होगा, व्हीकल लोन मिलेगा। यानी फिनेंशियल के बारे में जो लोग दिसंबर में पैदा हुए हैं उनको ऐसे समझ लेना कि माता लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष उनके ऊपर है, उनको जरूर पूरा होगा वो। रही बात बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो लोग दिसंबर में पैदा हुए उनके लिए कैसा, थोड़ा सा मैं इतना ही बोलूंगा, ये कार्ड जो बताता है थोड़ा सा कल्पना जगत से बाहर निकले, मैजिक नहीं होता किधर भी। हम अगर जो हम मेहनत करते हैं वही अपने को मिलेगा। तो नेचुरली मेरा बोलना इतना ही है कि प्रैक्टिकल बने रहो। डे ड्रीमिंग खराब है, इमेजिनेशन खराब है। आप विजुअलाइजिंग कर सकते हो, आप विजुअलाइज करो कि ये चीज ऐसे करेंगे हो सकता है, बट इमेजिनेशन कल्पना लोक में लेके मैं ऐसा करूंगा ऐसा बिजनेस हो जाएगा बोलने का गलत है। फाइनेंसेस बशर्ते फाइनेंसेस अच्छा है, बट लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट होना या गलत चीजों का खरीदारी होना गलत हो जाएगा, अगले महीने के लिए आपको परेशानी हो सकता है। बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो गया, अगर बिजनेस वाले बिजनेस में काम करोगे दिसंबर वाले तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा ये महीने में। बिल्कुल, सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है दिलेश्वरी नरेंद्र पटले, इनका है। इनका जन्म का समय 7:15 है सुबह, जन्म तारीख इनकी है 28/8/2000। जन्म का समय है 7:15 सुबह का, 7:15। हाँ, जन्म स्थल नागपुर। इनका सवाल है नौकरी की युक्त 7:15 ना, हाँ सुबह का, नौकरी के योग कब तक है? नागपुर जन्म स्थल है इनका। हाँ, क्या प्रश्न है इनका, प्रश्न नौकरी के योग कब तक है? देखिए इनको नौकरी अभी ये जुलाई के अंत में या अगस्त में बिल्कुल मिलेगा। इन्होंने क्या करना चाहिए, अगर नौकरी इनको पाना है तो इन्होंने हो सके तो एक ओपल नाम का रतन आता है, ओपल नाम का 4.5 से 5 कैरेट तक का ओपल नाम का रतन, ये उंगली में या ये उंगली में इंडेक्स या फिर रिंग फिंगर में पहनेंगे वो शुक्रवार के दिन तो उनको अवश्य लाभ होगा। साथ में एक मूंगा पहन ले मंगलवार के दिन, उनको उसका लाभ जरूर मिलेगा। उनको जो लक फेवर नहीं कर रहा वो लक फेवर करना शुरू हो जाएगा। बाकी नौकरी लगने के लिए आप थोड़ा सा ये महीना एक 15 तारीख जुलाई के 15-20 तारीख तक का इंतजार कीजिए, नौकरी लग जाएगा आपका। तो आज के कार्यक्रम में ज्योतिषाचार्य श्रद्धानंद आचार्य, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। टैरो कार्ड के जरिए हमने जाना कि जुलाई महीना हमारे लिए कैसा होगा, और साथ ही साथ हमारे जो दर्शक हैं उनकी कुछ समस्याएं थी, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनके सवालों के जवाब भी आपके द्वारा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के कार्यक्रम में आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आज के कार्यक्रम में वक्त चलाएं यही रुकने का। नमस्कार। बेशक सभी का किस्मत एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक टैरो कार्ड किस्मत बदलने में सहायक हो सकता है। एक सही मार्गदर्शन हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है। जानिए ओशो टैरो कार्ड के द्वारा किस्मत कनेक्शन और ओशो टैरो कार्ड के मार्गदर्शन मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ BCN न्यूज़ चैनल पर।